दोस्तों, यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर है और आप अपने फ्री फायर आईडी पे वीकली या फिर मंथली मेंबरशिप परचेस किए हैं, तो दोस्तों वीकली मेंबरशिप के लिए जो 159 रुपीस और मंथली मेंबरशिप के लिए जो 799 रुपीस आपने पेमेंट किए हैं, उसे अभी आप रिफंड लेना चाहते हैं। और इसलिए आप यूट्यूब पे जा करके सर्च करते हैं कि किस तरीके से आप वीकली या फिर मंथली मेंबरशिप का पैसे रिफंड ले सकते हैं। तो काफी सारे वीडियो आपको YouTube के अंदर देखने को मिलेगा जहां पे दिखाया गया है कि आप किस तरीके से वीकली या फिर मंथली मेंबरशिप का पैसे रिफंड ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। तो क्या सच में वीकली या फिर मंथली मेंबरशिप का पैसे रिफंड होता है? जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप किस तरीके से फ्री फायर में किया गया टॉप अप का पैसे रिफंड ले सकते हैं। सो भाई लोग, मैं आप सबको बता दूं कि फ्री फायर में टॉप अप किया गया पैसे को आप रिफंड ले सकते हैं, लेकिन आप बार बार नहीं ले सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये आते हैं कि क्या आप अपने फ्री फायर में किया गया वीकली या फिर मंथली मेंबरशिप का पैसे रिफंड ले सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि फ्री फायर में किया गया वीकली या फिर मंथली मेंबरशिप का पैसे रिफंड आप ले सकते हैं या नहीं। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बना से पिए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना आईडी ओपन कर लिया है, तो इसी आईडी पे ही मैं आप सबको सबसे पहले लाइव प्रूफ के साथ मेंबरशिप परचेस करूंगा, उसके बाद रिफंड लेकर दिखाऊंगा। तो भाई लोग, मैं यहाँ पे मंथली मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, तो इस केस में मुझे यहाँ पे 799 रुपीज पेमेंट करना है। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे 799 रुपीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और दोस्तों यहाँ पे रिडीम कोड वाले ऑप्शन पे सिंपली से प्रेस कर दूंगा और दोस्तों यहाँ पे एक रिडीम कोड डाल दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिडीम कोड डाल दिया है, तो चलिए यहाँ पे रिडीम कोड को सही से डाल देते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि रिडीम कोड से फ्री फेयर में परचेस वगैरह किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक रिडीम कोड लिया था, तो मैंने यहाँ पे रिडीम कोड डाल दिया है। तो सिंपली से मैं यहाँ पे रिडीम वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा जो कि यहाँ पे 658 रुपीस का है। तो जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, पहले से ही मेरे प्ले स्टोर में थोड़ा बहुत पैसा था और अभी यहाँ पे 799 रुपीस हो चुका है। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली से मैं यहाँ पे वन टैप वाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वन टैप वाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और पेमेंट सक्सेसफुल होते ही दोस्तों तुरंत मुझे यहाँ पे 500 डायमंड के साथ साथ 5 सेकंड चांस कार्ड और दोस्तों क्रिएट बॉक्स मिला है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि फ्री फायर में मंथली मेंबरशिप लेने पर तुरंत 500 डायमंड मिल जाते हैं और डेली दोस्तों एक महीने तक 70 डायमंड करके मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक गन स्किन मिलता है एक महीने के लिए। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे गन स्किन दिखाया गया है, तो इसमें से किसी भी एक गन स्किन को मैं एक महीने तक ले सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे फेमस का गन स्किन ले लेता हूँ एक महीने तक। जैसे कि अभी मेरे आईडी पे 523 डायमंड हो चुका है, तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे मंथली मेंबरशिप का जो डायमंड है उसे यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लेम करने पर 70 डायमंड मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इसके अलावा पहले से ही मेरे आईडी पे वीकली मेंबरशिप था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मुझे सुपर वीआईपी कार्ड मिला है, जिससे दोस्तों मुझे यहाँ पे 15 डायमंड और मिला है। और इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों एक वेपन टोकन भी मिला है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब ने ये देखा कि मैंने अभी अभी अपने आईडी पे 799 रुपीस दे करके मंथली मेंबरशिप परचेस किया। तो चलिए अभी यहाँ पे रिफंड लेने का कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मुझे यहाँ पे 799 रुपीस वापस मिलता है या नहीं। तो रिफंड लेने से पहले आप सब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे अपने प्ले स्टोर ऐप ओपन करके इस लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे बजट एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अभी जो मैंने यहाँ पे 799 रुपीस से मंथली मेंबरशिप परचेस किया है, उसका हिस्ट्री यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, 10 जून को मैंने यहाँ पे मेंबरशिप लिया है। तो मेंबरशिप लेने के बाद किस तरीके से आप रिफंड ले सकते हैं और रिफंड होता है या नहीं, चलिए अभी आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। तो रिफंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में अपना क्रोम ऐप ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च वर्ड में टाइप करना है कि गूगल प्ले स्टोर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है, उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है
है, उसके बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो पहले नंबर का जो लिंक दिया गया है, इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपका प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू टैब देखने को मिलेगा जिसपे आपको प्रेस करना है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि क्रोम ऐप के अंदर ही आपका प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको यहाँ पे पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको दबा देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे बजट एंड हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे मेंबरशिप वाला जो पेमेंट है, हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला पेमेंट हिस्ट्री फ्री फायर में किया गया मेंबरशिप का है। तो अभी रिफंड लेने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो रिफंड प्रॉब्लम का ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पे सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट एंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने काफी सारे ऑप्शन दिखाया जाएगा, तो आपको इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना है। मतलब दोस्तों आप क्यों रिफंड लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे रीजन दिखाया गया है, तो इसमें से किसी भी एक रीजन को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में चलते हैं, उसके बाद आप सबको सही से दिखाते हैं कि क्या क्या रीजन दिया गया है और कौन सा वाला रीजन आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में आ चुका हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे रीजन दिखाया गया है। तो इसमें से कौन सा वाला रीजन आपको यहाँ पे चूज करना है, चलिए आप सबको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों थर्ड नंबर पे आप सब इस वाले रीजन को देख सकते हैं, जो कि है परचेस वाज मेड बाय फ्रेंड और फैमिली मेंबर विदाउट माय कंसेंट। इसका मतलब दोस्तों आपके बिना परमिशन के आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई दोस्त गलती से परचेस कर लिया है और इस रीजन से आप रिफंड लेना चाहते हैं। तो इस वाले रीजन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसे में दोस्तों आपके सामने काफी सारे टर्म एंड कंडीशन दिखाया जाएगा, तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सिंपली से सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे, तो ऐसे में ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे वेट करना है। तो कितना वेट करना है, जैसे कि यहाँ पे 48 आवर्स बताया गया है, लेकिन दोस्तों 2-3 घंटे के अंदर ही आपको मेल किया जाएगा जिसपे आपको बताया जाएगा कि आपका रिफंड रिजेक्ट हुआ है या फिर कंप्लीट हुआ है। लेकिन इससे पहले आप अपना जीमेल ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको मेल नहीं भी मिल सकता है। तो इसके लिए प्ले स्टोर के अंदर जीमेल डाल के सर्च करिएगा। उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जीमेल ऐप मुझे यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोला गया है, तो आप अपना जीमेल ऐप को जरूर प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको मेल नहीं भी मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा जीमेल ऐप अपडेट हो चुका है, तो चलिए अभी यहाँ पे सिंपली से ओपन करते हैं, उसके बाद आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना जीमेल ऐप ओपन कर लिया है, तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों गूगल प्ले की तरफ से मुझे यहाँ पे एक मेल किया गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस मेल को ओपन करता हूँ, तो ऐसे में यहाँ पे बताया गया है कि योर रिफंड रिक्वेस्ट फ्रॉम गूगल प्ले इज बीइंग रिव्यूड। मतलब दोस्तों मेरा रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है और दोस्तों गूगल प्ले के तरफ से रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से एक मेल किया जाएगा और बताया जाएगा कि मेरा रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है या फिर कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों कुछ ही घंटे के अंदर मुझे यहाँ पे एक मेल दिया गया है गूगल प्ले के तरफ से, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इस वाले मेल को ओपन करता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि अबाउट योर रिफंड रिक्वेस्ट फ्रॉम गूगल प्ले। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि वी रिव्यूड योर रिफंड रिक्वेस्ट 799 रुपीस फॉर स्पेशल एयर ड्रॉप। तो दोस्तों मंथली मेंबरशिप लेने पर यहाँ पे स्पेशल एयर ड्रॉप 1180 जैसा दिखाया जाता है और यहाँ पे बैकेंड में गिटना फ्री फेयर मैक्स बताया गया है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी भी दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि दोस्तों बट वी कैन नॉट प्रोवाइड ए रिफंड फॉर दिस परचेस बिकॉज It does not comply with our policy. इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि दोस्तों membership का refund policy के अंदर नहीं है। तो दोस्तों Google Play की तरफ से ये बोला गया है कि आपने refund तो किया है, लेकिन हम लोग इस पैसे को refund नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे policy के अंदर नहीं है। So भाई लोग मैं आप सबको बता दूँ कि जब refund reject होता है, तो ऐसे ही बोला जाता है, साफ साफ आपको नहीं बताया जाता है कि reject हो चुका है। तो आप ही बताइए दोस्तों कि refund policy यदि Play Store के अंदर नहीं है, तो refund
रिफंड लेने का ऑप्शन क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों रिफंड होता है, लेकिन दोस्तों 99% रिफंड नहीं होता है, 1% चांसेस होता है कि आपको रिफंड मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया है कि फ्री फेयर आईडी पे किया गया वीकली या फिर मंथली मेंबरशिप का पैसे रिफंड होता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, रिफंड नहीं होता है। मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ, फिर भी दोस्तों आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका रिफंड हो जाए। सो भालो आज के इस वीडियो के अंदर बस नया बताना था। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और क्या मन में कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और देखने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो नीचे दिया गया लाल बटन पे क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही फ्री फायर जानकारी वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।